Hi guys, welcome to this chapter called as Improvement in Food Resources. So ये जो chapter है ये एक बहुत ही important chapter है, because इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने अपने food resources में improvement करके जो हमारी बढ़ती आबादी के साथ food consumption की जो demand थी उसको कैसे satisfy किया, और किस तरह से food varieties में changes लाकर एक तरह से green revolution को जन्म दिया, जिसकी वजह से आज़ादी के बाद राइट 1947 में हमारी जो आबादी थी वो 30 करोड़ के आसपास थी और आज इस समय 136 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी जो बढ़ोतरी आई हमारी आबादी में, उसके साथ जो बढ़ती फूड डिमांड थी उसको कैसे हमने सेटिस्फाई किया, वो चीज़ जो है आप इस चैप्टर के बाद ज़रूर जान पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। उसके साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, जैसे कि मैं आपको कैंसर ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ, और बारगढ़ करके एक जगह जो उड़ीसा में है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर घर में एक कैंसर पेशेंट है, ऐसा कैसे हुआ वहाँ पे उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको प्लांट वायरसेस के बारे में बताऊँगा। यस, आप सोच रहे होंगे कि जैसे COVID-19 है तो उसने इतने सारे इंसानों को पूरी दुनिया भर में इन्फेक्ट किया है, उसी तरह से ऐसे वायरसेस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, राइट। तो वायरसेस जो हैं वो ऐसी कोई भी लाइफ की वैरायटी नहीं है हमारे प्लैनेट पे जिसको वो इन्फेक्ट ना करते हों। तो वी वुड ऑल्सो टॉक अबाउट प्लांट वायरसेस और किस तरह से प्लांट डिसीजेस की वजह से, बैक्टीरियल और वायरल प्लांट डिसीजेस की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हर साल दुनिया भर में होता है, और कैसे उन बीमारियों को के बारे में जानकर हमने बेसिकली ऐसे नए तरीके बनाए हैं, नए इन्वेंशंस किए हैं जिससे इन इन्फेक्शन को रोक कर जो हमारा हर साल नुकसान होता था उसे हमने कम किया है। उसके साथ साथ जो है हम लोग एग्रीकल्चरल डिसीजेस के बारे में बात करेंगे, और मैं मैड काउ डिसीज के बारे में बात करूंगा कि किस तरह से मीट कंजप्शन की वजह से लंदन में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली थी जिसका नाम था मैड काउ डिसीज, और वो कैसे होती है, कौन सी बीमारी से, कौन से एग्जैक्ट एजेंट्स की वजह से होती है, और कैसे वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी कि ये जो मैड काउ डिसीज है वो कैसे काम करती है और कैसे स्प्रेड होती है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको वेजिटेबल वैक्सीन्स के बारे में बताऊंगा कि एक नई तरह की वैक्सीन्स फ्यूचर में आने वाली हैं जिसमें जो इंजेक्शन की जगह आप फ्रूट्स खा लेंगे तो वो अपने आप में वैक्सीन का काम करेगी। ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़ी हुई हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी को जो है जिंदा रहने के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जो भी हम खाते हैं हमारा शरीर जो है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फाइनली उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उस दौरान जो एनर्जी पैदा होती है उससे जो है हम लोग जिंदा रहते हैं और हमें बेसिकली एनर्जी मिलती है हमारा काम करने के लिए, ठीक है। तो दो तरह के मेजर फूड सोर्सेज हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, एक तो जो है जो बेसिकली प्लांट्स और वेजिटेबल्स से आते हैं, ठीक है, और दूसरे जो है एनिमल्स से आते हैं जिसके अंदर मिल्क और मीट दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जनरली इन दो कैटेगरीज की हम बात करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था कि किस तरह से 1947 में जो हमारी आबादी थी 30 करोड़ के आसपास और आज हम 136 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, तो इतना बड़ा जो पॉपुलेशन राइज है उसको उसके साथ हमने कैसे डील किया, और उसके साथ जो फूड कंजप्शन की डिमांड्स आई उसको कैसे मैनेज किया। तो उसमें गाइस जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही हमने जो है हमारी जो क्रॉप वैरायटीज़ हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाया, और जिससे हमारे फूड कंजप्शन की जो डिमांड थी उसको हमने सेटिस्फाई किया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए आप जानते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रिस्पॉन्सिबल थे, ही वॉज द साइंटिस्ट हु वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के अंडर उन्होंने पढ़ाई की थी, और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिला था अपने क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाले काम के लिए। उनकी वजह से ही एक्चुअली कहा जाता है कि अगर किसी वैज्ञानिक ने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जान बचाई है तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, बिकॉज नॉर्मन बोरलॉग अगर वो अपना रिसर्च नहीं करते क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट का, तो दुनिया जो है भूख से मर जाती कभी भी जो दुनिया, बिकॉज जो है आबादी सिर्फ भारत की नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में जो है आबादी की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो उस बढ़ती आबादी के साथ जो फूड प्रोडक्शन की डिमांड थी उसको हम लोग नॉर्मन बोरलॉग के बिना कभी भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते, तो इसी वजह से नॉर्मन बोरलॉग को जो है नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। एम एस स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है, राइट, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी आबादी का जो फूड डिमांड का रिस्पॉन्सिबिलिटी था उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरा किया। और उसी तरह से ही डेयरी प्रोडक्ट्स में
क्रेडिट जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, जो कि जिन्होंने आज जिस जिस मकाम पर अमूल है राइट, एशिया की आज वो सबसे बड़ी डेयरी है, वो बिना डॉक्टर वर्गीज कुरियन के कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसीलिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भी वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। तो ये दोनों ही लेजेंड्स हैं जिनकी वजह से आज भारत एक सशक्त देश है, और फूड प्रोडक्शन में, फूड वैरायटी प्रोडक्शन में आज काफ़ी ज़्यादा हम सक्सेसफुल हैं, और अपने पॉपुलेशन की जो डिमांड है फूड की उसे सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की। क्रॉप यील्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉप यील्ड का मतलब होता है कि जब आप ज़मीन में मतलब खेतों में जब आप किसी चीज़ को उगाते हो तो आपको टोटल प्रोडक्शन कितना मिलता है राइट, कितना टोटल अनाज जो है प्रोड्यूस होता है एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड में, तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कौन से मेजर चीज़ें जो हैं वो हम खाते हैं। जैसे हम सीरियल्स जिसमें चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत वाइडली हम कंज्यूम करते हैं, जो कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स में काफ़ी रिच होते हैं। उसके साथ साथ हम पल्सेस भी खाते हैं जिसके अंदर चना मटर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल ये है कि जो प्रोडक्शन है किसी भी क्रॉप का, वेजिटेबल का, फ्रूट का, वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो ये सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर प्लांट है या क्रॉप है वो कौन सी कंडीशन में उगता है, उसे कितनी सनलाइट चाहिए, उसे कितना पानी चाहिए, उसे किस तरह की खाद चाहिए, किस तरह का फर्टिलाइज़र चाहिए, किस तरह का उसके सॉइल का पीएच होना चाहिए। तो जब आप ये सारी कंडीशंस किसी क्रॉप या प्लांट को लेकर समझते हैं तो आपको पता चलता है कि इस प्लांट को मैं कौन सी कंडीशन दूंगा जिससे ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, सबसे ज़्यादा हेल्दी रहेगा और मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी फैक्टर्स जब हम स्टडी करते हैं तो उन्हीं को मॉडिफाई करके, चेंज करके हम ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिससे वो प्लांट हेल्दी रहे, वो क्रॉप हेल्दी रहे और हमें अपना बेस्ट प्रोडक्ट मिले। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हर क्रॉप की एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो वाटर की हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र की हो, चाहे वो सॉइल की हो। कुछ क्रॉप वेराइटीज़ जो होती है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से उगती हैं, कुछ के लिए अलग सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप जानते हैं कि जैसे धान की जो खेती होती है चावल उगाने की, उसको पूरा एकदम खेतों को पानी से भर दिया जाता है बिकॉज वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कम वाटर में भी काम कर लेते हैं, कुछ को जो है हल्की धूप चाहिए होती है, कुछ को जो है काफ़ी अच्छी सनलाइट चाहिए होती है। तो जो है ये जो चीज़ है, कंडीशंस जो हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, वो हर प्लांट्स की अपने आप में अलग होती हैं, और इनको जब हम स्टडी करते हैं उससे जो नॉलेज जनरेट होता है उसका इस्तेमाल करके हम जो है अपने प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप नीड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड जो मतलब टोटल सनलाइट गिरती है वो, और उनकी लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब देखिए 1960 से 2004 तक जो है हमारा जो फूड का प्रोडक्शन है वो चार गुना बढ़ा है। तो जैसे मैंने बताया कि जो है हमारी जो बढ़ती आबादी है उसके साथ साथ हमने फ्रूट प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम है उसे भी बहुत अच्छे से जो है हैंडल किया है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की। मतलब आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर वैरायटी है क्रॉप की तो उसे आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर का न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में दो टेक्नोलॉजीज़ ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक तो देखिए क्रॉस ब्रीडिंग है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होती है कि दो पेरेंट क्रॉप लेते हो आप, उनको क्रॉस ब्रीड करवाते हो, तो उससे जो नए प्लांट की वैरायटी आती है, नए क्रॉप की वैरायटी आती है, उसमें माँ बाप की अच्छी खूबियाँ होती हैं। मान लीजिए एक क्रॉप आपने लिया जो डिसीज़ जिसको जल्दी नहीं होती, डिसीज़ रेजिस्टेंट होता है, और दूसरा आपने ऐसा प्लांट लिया जो कि कम पानी में उगता है, और जब आप उन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग से जो नई वैरायटी आएगी वो कम पानी में उगेगी, साथ ही में वो जल्दी बीमार नहीं होगी, समझ रहे हैं आप। तो क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही कॉमन तरीका है नए फूड वैरायटीज़ को जनरेट करने का, ठीक है, और काफ़ी सक्सेसफुल भी है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 2008 में भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर गया था तो वहाँ पे मैंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी कि वहाँ पे साइंटिस्ट आलू, प्याज और बाकी सब्जियों में रेडिएशन पास करते हैं, अल्फा बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन। इससे क्या होता है कि जब ये रेडिएशन इन खाने वाली चीज़ों में से पास होते हैं तो उनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जो इन खाने को सड़ाते हैं उनको वो थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो आलू जो आपका 10 दिन में ख़राब होता है वो एक महीने में ख़राब होता है, मतलब आपके जो खाने की सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो जल्दी जल्दी ख़राब होती थी चीज़ें अब वो काफ़ी टाइम लगाती है, तो आप ज़्यादा देर तक उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाई एनर्जी रेडिएशन हैं
जब ये पास होते हैं इन फूड वेराइटीज़ में से, तो उनके अंदर जो एंजाइम्स हैं जो एक्चुअली खाने को सड़ाते हैं उसको ये लोग डीनेचर कर देते हैं, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो ये एंजाइम्स फिर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे आपका खाना जो है जल्दी ख़राब नहीं होता। पर लोगों में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है कि इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, उसके अंदर रेडिएशन होता है, कैंसर हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको ये बहुत क्लियरली वहाँ पे समझाया गया था कि रेडिएशन अंदर रहता नहीं है, बहुत ही माइल्ड डोज होता है और इससे इनफैक्ट आपको फ़ायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखिए बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने सुना होगा कुछ ऐसे पेड़ हैं जो रात को चमकते हैं क्योंकि उसके अंदर जुगनू के जीन्स डाले हुए हैं, ऐसी बिल्लियाँ हैं जो रात को चमकती हैं, उसके बाद ऐसी गायें जो हैं उनको मॉडिफाई किया गया है जिनके दूध में विटामिन ए की मात्रा अपने आप ज़्यादा होती है। तो साइंटिस्ट जो है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं एक जानवर या पेड़ का या पौधे का जीन निकाल के दूसरे जानवर को जानवर के अंदर डालने में। सी इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इंसुलिन का। आप जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और अगर ये हार्मोन बेसिकली ना रिलीज हो तो इसकी वजह से डायबिटीज़ होता है, बिकॉज आपके ब्लड के अंदर जो फ्री ग्लूकोज है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले क्या होता था कि ये जो इंसुलिन है वो हम लोग गाय और सुअरों में से निकाल के इंसानों को देते थे और उस टाइम पे महंगा भी होता था, लेकिन आज के दौर में पहले के मुकाबले इंसुलिन काफ़ी सस्ता है और हम बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रोडक्शन करते हैं, जिसका मेन रीज़न है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर जो उसका प्लाज्मिड होता है उसका एक हिस्सा काट कर उसकी जगह पर हम इंसुलिन का जीन लगा देते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया अपने जीन्स से प्रोटीन बनाता है तो साथ में वो हमारे जीन को भी स्टडी करता है यानी ट्रांसलेट करता है और उससे जो है इंसुलिन बनता है। तो बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग इंसुलिन बनाने में जो है उसकी वजह से सक्सेसफुल हुए हैं। और नई टेक्नोलॉजीज जैसे आई हैं क्रिस्पर, उसकी वजह से जीन्स को एडिट करना और ज़्यादा आसान हो गया है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए ही हुआ है बिकॉज दुनिया में कोई भी लाइफ फॉर्म हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, फिश हो, जानवर हो, वो सब के सब एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि डीएनए की है। इसलिए अगर आप बैक्टीरिया किसी दूसरे जानवर में कोई दूसरे जानवर का जीन डालते हैं तो उसके सेल मैकेनिज्म को, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को, जब वो अपने जीन से प्रोटीन्स बनाता है तो उसे पता नहीं चलेगा कि वो प्रोटीन उसका, वो जीन उसका है या किसी और का है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम काफ़ी कुछ कर पाए हैं। अब बात करते हैं कि जब हम क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कौन सी चीज़ों को, हमारा मतलब टारगेट क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि हम किसी वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारा आउटकम क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है हायर यील्ड। हायर यील्ड का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा। तो मान लीजिए आपके पर्टिकुलर खेत में अगर इतना किलो कोई चीज़ उगती थी, अब आप उसको डबल कर दे रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आपने अपनी यील्ड बढ़ा दी। क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट, क्वालिटी इन द सेंस कि मान लीजिए आपके गेहूं के दाने छोटे थे तो नए दाने बड़े आएंगे, ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले आएंगे। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, सो प्लांट्स को जो है ना टेम्परेचर, पानी, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है और कुछ जो प्लांट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं कि थोड़ा सा भी आपने पानी कम दिया तो सूख जाएंगे या तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो आप ऐसे भी प्लांट वैरायटीज़ बना सकते हैं जिनको इन चीज़ों से असर ना हो। मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स को या क्रॉप को मैच्योर होने में 6 महीने लगते हैं तो कुछ 3 महीने में मैच्योर हो जाते हैं, कुछ को साल लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च के द्वारा इस समय को कम कर सकते हैं। तो मान लीजिए साल में अगर आप कोई वैरायटी एक ही बार उगाते थे तो नई टेक्नोलॉजी की मदद से इम्प्रूव करके आप उसे 2 बार उगा सकते हैं। वाइडर एडेप्टिबिलिटी, वाइडर एडेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो क्रॉप है वो अलग से अलग कंडीशन में जिंदा रहना चाहिए, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ज़्यादातर प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये चीज़ें भी आप हासिल कर सकते हैं। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट हाइट और बाकी सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे आप स्टार्टिंग से बीज बोने से लेके फाइनली जब आप फसल काटते हैं वहाँ तक की प्रोसेस में एक किसान का बहुत सारा खर्चा होता है, बीए से लेके, खाद से लेके, फिर ट्रैक्टर वाली सर्विसेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उन हर चीज़ का खर्चा होता है। पर हर क्रॉप वैरायटी का अपना अलग अलग डिमांड होता है, कुछ क्रॉप बहुत सस्ते में उग जाते हैं तो कुछ के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है और कुछ के लिए बिल्कुल कॉस्ट नहीं लगता। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लो कॉस्ट प्रोडक्शन, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, नो कॉस्ट प्रोडक्शन। अब उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। सी जनरली क्या होता है कि जब हम हमारे खाने की बात आती है तब तो हम प्लांट की तरफ देखते हैं, पर एक बात याद रखिए कि प्लांट्स भी अपने आप में एक लाइफ है और उन्हें भी जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 13 न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, उनमें से 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है।
देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो सीधी सी बात है मैक्रो होते हैं, और जो कम मात्रा में होते हैं वो माइक्रो होते हैं, ठीक है। तो छह जो है मेजर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हमें भी ना विटामिन वगैरह चाहिए होते हैं पर उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है, हमें कुछ सॉल्ट्स के आयन मतलब कुछ सॉल्ट चाहिए होते हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है, पर कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसी तरह में प्लांट्स में भी कुछ चीज़ें छोटी मात्रा में चाहिए होती हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होती हैं, और जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होती हैं। तो अगर हम न्यूट्रिएंट सप्लाई की बात करें तो हवा, पानी और सॉइल, इन तीन अलग अलग मीडियम से एक प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। हवा से उसको कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, बिकॉज आप जानते हैं वाटर H2O होता है, तो प्लांट्स उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयंस के फॉर्म में ले सकते हैं। सॉइल में से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों मिलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि देखिए हमारी हवा में इतना सारा नाइट्रोजन है, पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट्स आर इनकेपेबल ऑफ यूजिंग दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, वो सीधा सीधा इस नाइट्रोजन का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो जो हवा की नाइट्रोजन है जब वो नाइट्रेट और दूसरे सॉल्ट्स में कन्वर्ट होती है तब प्लांट्स इनको सॉइल में से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं करते। और आप जानते हैं कि बहुत सारे स्पेशल बैक्टीरिया इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली पल्सेस के ग्रुप में। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो FeMn, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, इन सारी चीज़ों की भी प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि वो जनरली सॉइल्स में से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाद की। तो देखिए खाद जो है ना वो दो अलग वेराइटीज़ है, एक तो जो है आपकी नॉर्मल ऑर्गेनिक खाद होती है, नेचुरल खाद होती है जो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और एक आपकी होती है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र। सो मैन्योर जो होता है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि मतलब खाना, ख़राब हुआ खाना, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक सॉइल को ऑर्गेनिक कॉन्टेंट में रिच करती हैं, ठीक है। और उसमें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंपोस्ट जो होता है वो आपका नॉर्मल ऑर्गेनिक खाद होता है, जिसके अंदर मैंने जैसे बताया ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, प्लांट के लीफ होते हैं और उनके दूसरी चीज़ें होती हैं और दूसरी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जो उसको एक तरह से प्लांट न्यूट्रिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खाते हैं और फिर ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो वॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स की वजह से क्या होता है कि आपका जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फायदाकारक होता है। इसीलिए वर्मी कंपोस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लांट्स के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है न्यूट्रिशन में और प्लांट्स को काफ़ी हेल्प करती है। और ग्रीन मैन्योर में जो है वो मोस्टली प्लांट के लीव्स वगैरह और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए फर्टिलाइज़र जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का खास करके उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 30-40 सालों में, और फार्मर्स ने इसका बहुत ज़्यादा, कई कई बार तो बहुत गलत भी इस्तेमाल किया है, बिकॉज उन्हें सही से एजुकेट नहीं किया गया कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से, ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट भारत में खाद की जो है डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि इसी वजह से भारत में यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी ने एक बहुत बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट डाला था भोपाल में, जहाँ पे आप जानते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पे हज़ारों लोग मर गए थे, अंधे हो गए थे और बहुत ही बुरी मौत हुई थी उनकी, जो कि आज भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और वहाँ पे जो विक्टिम्स थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के, बिकॉज मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस जो है टन्स की मात्रा में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में से रिलीज़ हुई थी रातों रात, मतलब शायद अर्ली मॉर्निंग था और लोग सोए हुए थे और उनका दम घुटने लगा, उनको खून की उल्टियां हुई, वो अंधे हो गए और न जाने ऐसी कितनी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिला और वो कंपनी को बिना सज़ा मिले वो वहां भारत से जो है वो निकल गई थी। और वो प्लांट किस लिए एस्टैब्लिश हुआ था? वो प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, बिकॉज क्योंकि भारत एक हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट हमेशा जाता थी। तो आज भी आप सर्च कर सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर माना जाता है, जिसमें आज भी विक्टिम्स को जो है पूरी तरह से जस्टिस नहीं मिला है, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था फर्टिलाइज़र के मिसयूज़ की, तो उड़ीसा और पंजाब जैसे जगहों पर जहाँ पर की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर फार्मर्स ने कुछ फर्टिलाइज़र का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि जिसकी वजह से वहाँ पे कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ऑलमोस्ट हर घर में कैंसर केस पाया जाता है कुछ पर्टिकुलर इलाकों में। बारगढ़ उड़ीसा में तो इतनी बुरी हालत है कि वहाँ के कैंसर के टोटल नंबर ऑफ केसेस को देखते हुए सरकार ने एक स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल स्थापित करने का डिसीजन लिया है। और जिसमें कैंसर ट्रेन की बात कर रहा था, तो पंजाब के भी कुछ इलाकों में इतने ज़्यादा कैंसर के केसेस हैं जो कि फर्टिलाइज़र की वजह से ही हुए हैं,
मिसयूज़ की वजह से हुए हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कराने के लिए एक साथ एक ट्रेन में निकलते थे दिल्ली या दूसरे इलाकों की तरफ, और इस वजह से उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन का नाम दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स का मिसयूज़, पेस्टिसाइड्स का मिसयूज़ कितना खतरनाक हो सकता है, और इसी वजह से फार्मर्स को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती हैं, खास करके विदेशी कंपनियां, उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया, ना ही कभी सही तरीके से ट्रेन किया और मजबूर किया कि वो सिर्फ उनका जो है प्रोडक्ट यूज़ करें। और इसी वजह से विदर्भ और दूसरे इलाकों में, महाराष्ट्र में न जाने कई सालों से बहुत बड़े पैमाने पे किसान जो है आत्महत्या कर रहे थे। और इसी वजह से हाल जो मौजूदा सरकार है उसने किसानों के लिए बीमा स्कीम लॉन्च किया था, इंश्योरेंस लॉन्च किया था कि अगर किसी कारण की वजह से, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या ज़्यादा बारिश हो गई, उसकी वजह से अगर उनका अनाज खराब होता है, उनका क्रॉप खराब होता है, तो उसे डरने की बात नहीं है, उनको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा और उसके बदले जितने भी अमाउंट का उन्होंने बीमा लिया है उतने पैसे उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम पे बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी जिसको इस सरकार ने सीधा सीधा टारगेट किया है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर की समस्या कितनी बड़ी है और वो कितना हानिकारक है, उसी को ध्यान में देखते हुए एक नया चलन शुरू हुआ है जिसके तहत हम कोशिश करते हैं कि कम से कम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें जिसमें आर्टिफिशियल केमिकल ना हो, और प्लांट्स को सही न्यूट्रिशन भी मिले और एकदम हेल्दी चीज़ खाएं हम। तो ये जो नया तरीका है जिसमें सिर्फ आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं करते, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। और इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10-20 सालों में, बिकॉज़ वक्त के साथ साथ लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और इसकी वजह से लोग जागरूक हुए हैं और वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहते जिसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड इन चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, इनफैक्ट इंडिया टीवी जब नया नया लॉन्च हुआ था तो वो ऐसे बहुत सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग करते थे जिसमें लोग लौकी के और न जाने दूसरे कितने वेजिटेबल्स के अंदर बहुत ही घातक इंजेक्शन डालते थे जिसकी वजह से वो आज छोटे होते हैं और कल एकदम बड़े हो जाते हैं। पर ये सब सब्जियां बहुत ही खतरनाक होती हैं, लोग गटर के पानी में सब्जियों को धोते थे। तो बिकॉज आज भी जो है वो सब्जियों की इतनी ज़्यादा डिमांड है आबादी के हिसाब से कि लोग इस तरह की जो है ख़राब चीज़ें करते हैं सिर्फ जो है ज़्यादा मुनाफा या प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसी वजह से एक ऐसा तबका है हमारे देश का जो स्वस्थ रहना चाहता है और अच्छी चीज़ें खाना चाहता है, जिस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन बहुत बढ़ा है। हालांकि तकलीफ एक ही है कि अभी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं और वक्त के साथ साथ इसका चलन बढ़ने ही वाला है, बिकॉज वक्त के साथ साथ जिस तरह से एजुकेशन बढ़ रहा है हमारे देश में, लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ बताऊँगा कि मकाईवाड़ी करके एक जगह है जो है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में शायद, जहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी चाय मिलती है, जहाँ पे एक किलो चाय 3-3, 4-4 लाख रुपए में जाती है, क्योंकि सालों से उस चाय का उत्पादन करने वाले इंसान ने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कभी नहीं किया। तो चाय टेस्टी होने के साथ साथ जो है बहुत जो है ज़्यादा हेल्दी भी है और फर्टिलाइज़र का बिल्कुल उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होता, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का। तो आप सोचेंगे कि 3 लाख रुपये किलो के हिसाब से चाय कौन खरीदता होगा? तो ये जो इंसान है जो मकाईवाड़ी में ये दुनिया की सबसे महंगी चाय उगाते हैं, उनके जो ग्राहक हैं वो ज़्यादातर जापान और इंग्लैंड के राजा रानी ऐसे लोग हैं। ठीक है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, वही ऑब्वियसली ऐसी चाय अफोर्ड कर सकते हैं, वरना तो हमारी पूरी ज़िंदगी का चाय का खर्चा 3 लाख रुपया नहीं होता। प्रिपेयरिंग द बायो फर्टिलाइज़र, अब सवाल है कि बायो फर्टिलाइज़र आप कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियसली ब्लू ग्रीन अल्गी जैसी चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल होता है बायो फर्टिलाइज़र बनाने में। नीम और टर्मरिक, जिनकी बहुत ही अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, उनका भी इस्तेमाल जो है बायो पेस्टिसाइड्स का मतलब, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? साइड का मतलब होता है मारना। तो जब आप पेस्ट को मारते हैं किसी केमिकल की मदद से तो उसे पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा केमिकल चाहिए जो पेस्ट को मार सके। तो ये अगर नेचुरल चीज़ों से आए तो बहुत अच्छी बात है, और टर्मरिक और नीम तो फेमस ही हैं अपनी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के लिए, इसीलिए ऐसी प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है बायो पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। अब बात करते हैं इरीगेशन की। तो आप जानते हैं, देखिए, पौधों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादातर किसान मॉनसून की मदद से करते आए हैं, और कभी कभी आर्टिफिशियल जो चेक डैम्स होते हैं और जो दूसरे वाटर सप्लाईज होते हैं उससे भी पानी की जो है भरपाई की जाती है, रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। और अलग अलग तरीके हैं जो है प्लांट वाटर सप्लाई करने के, जैसे तालाब है, कुएँ हैं और रिवर लिफ्ट सिस्टम है, टैंक से, इन अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है पानी सप्लाई करने के लिए। अब मैं बहुत ही दिलचस्प चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसमें खास करके एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके सॉइल में पानी की मात्रा कम होती है, इमीडिएटली एक सिस्टम एसएमएस करता है
किसान को कि पानी की मात्रा कम हुई और वो फिर एक स्विच ऑन करता है जिससे वापस से पानी वहाँ पे छिड़कना शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से भी अब जो है खेती की जा रही है और करनी चाहिए, बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा जो फूड प्रोडक्शन है उसको हम एफिशिएंट बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT कहा जाता है, उसके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा, बिकॉज आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। कैंसर ट्रेन के बारे में सर्च कीजिएगा, बारगढ़ के बारे में सर्च कीजिएगा, तो बहुत ही दिलचस्प चीज़ें आपको जो है एग्रीकल्चर के रिलेटेड पता चलेंगी। चेक डैम्स जो हैं वो थोड़े नए इनिशिएटिव, और जैसा मैंने बताया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से, ठीक है, हम क्रॉप्स को मॉनिटर कर सकते हैं और लाइव डेटा मिलता है फार्मर्स को अपने प्लांट्स और क्रॉप के बारे में। अब क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो मिक्सिंग अ क्रॉप इज़ अ कॉमन एरिया ऑफ लैंड। सी, कई बार क्या होता है कि जब आप लगातार एक ही क्रॉप उगाते हैं एक ही ज़मीन में, तो क्या होता है उस प्लांट की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है और वो हर बार एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट सॉइल में से खींचता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ टाइम के बाद वो पर्टिकुलर क्रॉप जो सॉइल होती है आपके ज़्यादा काम की नहीं रहती। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप उसके अंदर मल्टीपल क्रॉप्स उगाएं या फिर क्रॉप रोटेशन करें, कि पहले आपने गन्ना उगाया तो उसके बाद आप किसी और चीज़ की खेती करें। तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो सॉइल है उसका न्यूट्रिशन कम नहीं होता और वो न्यूट्रिशन में रिच होने लगती है टाइम के साथ साथ, और इससे क्या होता है आपको बेटर रिटर्न भी मिलता है। सो क्रॉप रोटेशन, जैसे मैंने बताया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। द ग्रोविंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। कि जब आप पहले से प्लान करके रखते हो कि इस जमीन में पहले मैं गन्ना उगाऊंगा, उसके बाद ये चीज़ उगाऊंगा, फिर ये चीज़ उगाऊंगा, उसे जो है क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि क्रॉप रोटेशन के कई फायदे हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन है सॉइल का वो मेंटेन रहता है और सॉइल आपकी ख़राब नहीं होती। अगला टॉपिक जो है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, क्रॉप के लिए सबसे बड़ा नुकसान कौन सी चीज़ों की वजह होता है? एक तो वेदर की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या सूखा पड़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, या फिर पेस्ट की वजह से, राइट, चूहे या दूसरी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं खेतों को, अनाज को, ठीक है। वीड्स आप जानते ही हैं, अनवांटेड वीड्स जो है ना वो कैंसर की तरह होता है। जैसे आपको किसी ऑर्गन में कैंसर हो गया, तो क्या होता है वो जो कैंसर के सेल्स हैं वो उस ऑर्गन के ऑर्गन का न्यूट्रिशन है वो खुद खींचने लगते हैं, जिससे क्या होता है वो ऑर्गन आपका वीक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, राइट, और अल्टीमेटली वो ऑर्गन पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से वीड्स जो हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो आपका जो मेन क्रॉप या प्लांट है उसके साथ कम्पीट करते हैं रिसोर्सेज के लिए। तो जो रिसोर्सेज प्लांट को मिलने चाहिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वो खुद वीड्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपके प्लांट्स को सही चीज़ें नहीं मिल पाती और आपका क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो हमारे लिए अगर हमें अपना क्रॉप का प्रोडक्शन नुकसान से बचाना है या उसको बढ़ाना है, तो कौन सी चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा? वीड्स पे फोकस करना पड़ेगा, बीमारियों पे फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरसेस से हो, और पेस्ट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दे कम्पीट फॉर फूड स्पेस, जैसे मैंने बताया लाइट और फूड स्पेस दोनों के लिए वो कम्पीट करते हैं। पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज, दे कट द रूट। देखो, पेस्ट किस तरह से जो है प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, दे कट द रूट स्टेम एंड लीफ, दे सक द सेलुलर सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, दे बोर इन टू द सेम एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो इन सारे अलग अलग तरीकों से वीड्स जो हैं वो आपके क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने जैसे बताया कि जिस तरह से हमें हमारे में बीमारी होती है, प्लांट भी लाइफ है, क्रॉप्स भी लाइफ होते हैं, मतलब जीवित होते हैं, तो उनके अंदर भी बीमारियाँ होती हैं अलग अलग एजेंट से, बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, सभी जो है प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इन्हें फाइटोपैथोजेंस कहा जाता है। फाइटो जो शब्द है वो जनरली इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए। तो दिस पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, वाटर एंड एयर, तीनों ही मीडियम से, राइट। जैसे कोरोना वायरस है ना, वो हवा से फैल रहा है इस समय, छूने से फैलता है, किसी चीज़ों को आपने छू दिया, किसी डब्बे को या किसी सरफेस को, तो वहाँ पे कोई दूसरा इंसान छूए तो उसमें उसके थ्रू भी फैल सकते हैं। तो उसी तरह से प्लांट के जो वायरसेस होते हैं और पैथोजेंस होते हैं वो भी इन अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। तो अगर हमें कोशिश करनी है कि हमारे प्लांट्स स्वस्थ रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, तो हमें अपने प्लांट्स को इन तरह की वैरायटी से बचाना होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ जो नए चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस चैप्टर में, वो जरूर आप देखिएगा नेट पे। आप कैंसर ट्रेन के बारे में सर्च कीजिएगा, बारगढ़ उड़ीसा के बारे में सर्च कीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लस एग्रीकल्चर करके गूगल कीजिएगा, तो आपको काफ़ी नए नए तरीके मिलेंगे जिसका इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो मैंने दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं बनाना वैक्सीन के बारे में, कि जैसे केला खाने से आने वाले टाइम में आपको वैक्सीनेशन हो जाएगा, आपको इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, तो वेजिटेबल वैक्सीन कैसे काम करती हैं उसके बारे में भी सर्च करिएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चलेंगी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर के रिलेटेड, तो आप मुझे डेफिनेटली भेज सकते हैं।
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, एंड मैं कोशिश करूँगा कि जरूर उस चीज़ का रिप्लाई करूँ। और इसके साथ साथ आप इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, तो उससे आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से याद रहेगा। एक चीज़ याद रखिए, चैप्टर ख़त्म होने के और पढ़ने के बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको अच्छे से करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।